हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पे। और मेरा नाम है इंट्रोडस और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिर से एक बार बेस्ट नोवा सेटअप जो कि वर्जन इस बार 2 है, क्योंकि मैं इसको वीडियो को दूसरी बार बना रहा हूं और मैं पहले वीडियो इसके बारे में बना चुका हूं। और जो मेरा पहला जो वीडियो का टॉपिक था वो था द ब्लैक ट्री। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत है वो है नोवा लॉन्चर का बीटा वर्जन, डेल्टा आइकन पैक और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आपको उनसे सॉलिड एक्सप्लोरर इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ एक जिप फाइल भी इंस्टॉल करनी है। सॉलिड एक्सप्लोरर इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे खोलना है। खोलने के बाद आपको जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है वो फाइल जो आपने डाउनलोड की है वहाँ पे जाइए। यूसी डाउनलोड्स में मैंने किया है, मैं गया वहाँ पे और उसका जो नाम है मैंने था उसका होम स्क्रीन सेटअप। अब आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसको प्रेस कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये ऐसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो रही है 59, 68 और ये 100% एक्सट्रैक्ट हो चुकी है जी। अब इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो नया फोल्डर बना होगा यहाँ पे बेस्ट होम स्क्रीन सेटअप के नाम से यहाँ पे जो फोल्डर आया इसको ओपन कीजिए। तो सबसे पहले जिसमें जो ट्राइडेंट 2 का जो APK है उसको आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए यहाँ पे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक और चीज़ दोस्तों, आपको जूपर विडजेट प्रो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको इसको भी डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन आ रहा है लॉन्चर, क्लिक कीजिए, बैकअप पे क्लिक कीजिए और बेस्ट होम स्क्रीन को क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दीजिए। ऐसा करने पर आपका ये करंट लेआउट हट जाएगा और जो नया लेआउट है वो आ जाएगा। देख सकते हैं जो मेरी होम स्क्रीन है चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज हो चुकी है मेरी होम स्क्रीन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर अपना सेट करना है, वॉलपेपर लॉन्ग प्रेस की स्क्रीन पर कहीं भी और वॉलपेपर्स में जाके जो मैंने आपको लिंक दी है वहाँ से आप उसे जो मैंने ज़िप फाइल दी उसी में आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए उसे वॉलपेपर को और ये सेट हो रहा है सेट वॉलपेपर और यहाँ पे टिक कर दीजिए, सॉरी 1 मिनट। सॉलिड एक्सप्लोरर में आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे जो फोल्डर था आपका उसे वॉलपेपर को आपको इसे सेट करना है। तो दोस्तों ये सेट पूरी तरह से हो चुका है और इसके बाद आपको अपने फिर से आपको एक बार फिर से सॉलिड एक्सप्लोरर में जाना है। कहाँ पे सॉलिड एक्सप्लोरर, उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे जो विडजेट आ रहा है सेकंड नंबर पे उसको यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको इंटरनल मेमोरी में सुपर विडजेट का जो ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सुपर विडजेट में जाकर यहाँ पे टेम्पलेट हैं उनमें इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये पेस्ट हो गया। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे जो होम स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा है रिसाइज और टैप टू स्टार्ट इस पर क्लिक कीजिए अपना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्राइडेंट 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये लोडिंग कर रहा है 1 मिनट में। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और आपको इसमें एक विडजेट मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये रहा वो विडजेट बबल बार, आपको इसे ओपन करना है और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। इतना बढ़ा के आपको यहाँ पे ग्लोबल प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे वेदर प्रोवाइडर को यहाँ पे या ऊपर क्लिक करना है और अब बैक जाना है। बैक जाने के बाद
आपका विजन और टैप एक्शन का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके होम बटन आपका दबा देना है। तो एक आपका विजेट सेट हो चुका है, और यहाँ पे जो एक और विजेट का ऑप्शन आ रहा है आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एसडी कार्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, और जो हमारा जो विजेट है फ्राइडे 19th बाय उसको सिलेक्ट करना है, और होम स्क्रीन का बटन नहीं दबाना है लेकिन विजेट और टैप ऑप्शन को लॉक करके होम स्क्रीन का बटन दबाना है। तो हमारा एक और विजेट भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका विजेट सक्सेसफुली आ चुका है। आपका विजेट सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपको अपना होम प्रेस लॉन्ग प्रेस करना है और सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले डेस्कटॉप में जाना है। यहाँ पे आपको आइकन लेआउट 85% ही रखना है, और विड्थ पैथिंग को और हाई पैथिंग को नन करके पीछे की तरफ जाइए। यहाँ पे ऐप्स एंड विडजेट ड्रॉअर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉअर स्टाइल को यहाँ पे वर्टिकल करना है, फ्रीक्वेंट यूज्ड ऐप को बंद करना है, और स्वाइप टू ओपन को इनेबल करके स्वाइप इंडिकेटर को ऑन करके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे फुल करना है आपको पूरी, और सर्च बार को यहाँ पे ऑफ करना है। अब आपको दोबारा जाना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ गए अब सारे ऐप्स के आपके, और एक और बार फिर से सेटिंग्स में जाना है आपको। ऐप एंड विजेट ड्रॉअर पर क्लिक करने के बाद आइकन लेआउट का जो कलर है उसको आपको वाइट करना है यहाँ पे, जिससे आपको दिख जाए यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये लुक में। और यहाँ पे जो डेस्कटॉप की जो ग्रिड है आपको उसे 6x4 का करना है, जिससे कि आपके सारे ऐप्स आ जाएं आसानी से, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा लुक देते हैं यहाँ पे। आपको इसे रिमूव करना है। जो आपका होम पेज है वही होम पेज रहेगा। तो दोस्तों हमने आज इस वीडियो में काफ़ी आसानी से हमारा यहाँ पे होम स्क्रीन सेटअप बना लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक में यहाँ पे, और आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आइकन पैक को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे, और आइकन पैक की जो अलग अलग जो आइकन्स हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं, कि कुछ आइकन्स यहाँ पे सेट नहीं हो पाते हैं तो आप डेल्टा में जाकर अपने अपने आइकन्स को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन होता है यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसे ई पे होगा, यहाँ पे ES फाइल एक्सप्लोरर का आइकन मैं इसे दे देता हूँ। आप जो मर्जी है वो दे सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कुछ कोई रोक टोक नहीं है। मैं ES को यहाँ पे करके यहाँ पे डन कर देता हूँ, तो ये हमारा आइकन का जो पूरा वो है वो ऑन हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो लुक में। और ऐसे ही काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन न्यू वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद एंड्रॉइड हर्ट्स। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो वीडियो के नीचे रेड बना है सब्सक्राइब को उसे प्लीज़ दबाएँ, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी लाता रहूं और लोवा लॉन्चर के बेस्ट स्टार्टअप भी लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन न्यू।